100 कैन गिव अ हार्ट कंपटीशन टू ड्यूक 250। तो फिलहाल देखो तीन लाइन अप यार, एनएस 100, ड्यूक 250, आरएस 200। लव यू माय बेबी अ लॉट मैन। जिस तरह से ये भागता है भाई, तो ड्यूक 250 है अपने टक्कर में और आरएस 200 पीछे है भाई। आरएस 200 को भी भाई जबरदस्त तरीके से हराएंगे। ओ भाई साहब, और हम लोग आए थे पानागढ़ का कैफे एक्सप्रेसो, तो वहां पे आए थे, उसके पेट्रोल पंप के सामने थोड़ा रुके हुए हैं। और Bro, let's see what happens. BS4, BS6, Duke 250. एकाने ना ये रोड टा अपने हाईवे तो उठा टाइम है। So भाई देख सकते हो, मैंने अपना फ्रेंड जो Duke 250 वाला है, आई थिंक आप देख पाओगे कैमरा में, तो उसको मैंने बोल दिया कि भाई देखा जाए Duke 250 BS6 और NS200 BS4 में क्या कुछ मतलब डिफरेंस है कि नहीं पावर फिगर में। ऑफकोर्स भाई वो 30 BHP है, 24 BHP, ऑफकोर्स भाई डिफरेंस तो होगा भाई, ऑफकोर्स वही जीतेगा, लेकिन देखना चाहता हूँ कि NS200 BS4 कितना देर तक उसको टक्कर दे पाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ सीन है भाई फिलहाल। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोड कंडीशन ख़राब है, तो अच्छा रोड्स में जाते हैं हाईवे में, और एक बार पूरा बीन्स देके देखेंगे कि NS200 कैसा भाग रहा है भाई। लेट्स सी। जा भाई जा। भाई मजा आ गया भाई, यही तो लाइफ में तुमको चाहिए ब्रो। अरे ये इंसान लोग कहाँ से आ जाता है भाई, क्रेजी सीन्स। तो भाई जबरदस्त था भाई, जबरदस्त यार, दिस इज द एक्चुअल फन मैन। और देखते हैं, आई थिंक कार स्टूडेंट वाला भाई भी हमें कैप्चर करने वाला है, कैप्चर मतलब इन द सेंस क्या, हमें भी ज्वाइन करने वाला है। तो देखते हैं कि कहाँ पे है फिलहाल। तो भाई देखो यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, और देखो आर स्टूडेंट वाला भाई अभी फ्यूल अप कर रहा है, तो हम लोग मेन हाईवे पे आ चुके हैं। लेकिन जो भी बोलो भाई, NS200 कैन गिव अ हार्ट कंपटीशन टू Duke 250 लाइक दिस सो भाई देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे Duke 250 है, NS 200 है, और RS 200 वाला भी भाई वहाँ पे है। डाउन कर दीजिए 150 मान एरर 10 किलोमीटर माने 140 हमें तब डाउन। देख सकते हो RS 200 वाला भाई भी आने वाला है, अब यहाँ से क्रेजी राइड होगा। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं भाई। तो फोन बार कर वाइड एंगल है, तीन टेकारी फोटो ने है डार कर भाले कर। सो भाई देख सकते हो RS 200 वाला भाई आ चुका है, एंड क्रेजी सीन्स है। तो भाई थोड़ा सा आगे लगा गाड़ी को। तो भाई देख सकते हो RS 200 वाला भी आ गया है, फोटो। तो फिलहाल देखो RS 200 वाला भी भाई आ चुका है। इनफैक्ट देख सकते हो यहाँ पे तीन बाइक का फिलहाल लाइनअप है, NS 200, RS 200 एंड Duke 250। तो क्रेजी सीन्स, ओपन द लॉक ब्रो। तो आज का राइड फिलहाल शाम को अचानक से प्लान हुआ इसलिए, तो फिलहाल देख सकते हो सब कुछ सही है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा सनी भाई है, तो ये भी RS 200 का राइडर है, एंड इनफैक्ट यहाँ पे देख पाओगे क्रेजी सीन्स है। A few moments later. फिलहाल देखो RS 200 वाला भाई जा चुका है, एंड यहाँ पे Duke 250 वाला भी भाई है। तो आपको क्रेजी आज को सीन्स होने वाला भाई, तो बहुत दिनों बाद भाई आज को फाइनली राइड करना स्टार्ट किए हैं। राइड का स्टार्ट होगा भाई, क्रेजी सीन्स है भाई। तो चलो हाईवे में थोड़ा सा भगाया जाए बाइक को, एंड मस्ती किया जाए। ऑफकोर्स भाई थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कुछ करने का नहीं भाई, इसी चीज़ में एक्चुअल हमें मज़ा आता है भाई। एंड साथ
चलो जाया जाए थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि सामने भाई टोल गेट है, तो टोल गेट के सामने धीरे धीरे जाया जाएगा। ओफ मैन, अरेस्ट मिनट का जो साउंड है ना भाई, क्रेजी साउंड आ रहा है भाई। फॉर अ बाइकर इज दैट, हमें टोल ही नहीं देना पड़ता भाई। तो देख सकते हो अरेस्ट मिनट वाला भी भाई धीरे धीरे जा रहा है, बस रोड अच्छा सही मिले तो हम भगाएंगे, अदरवाइज नहीं भाई। तो भाई टोल टैक्स को बाय करते हैं, एंड फिलहाल ड्यूटी ड्यूटी वाला भी फ्रेंड आ ही चुका है, एंड क्रेजी सीन। तो फिलहाल देखो तीन लाइन अप यार, एन एस 200 ड्यूटी 50 आर एस 200, थोड़ा साल का भगाया जाए भाई को। भगाबो ना आगे आगे 64 भाई देख सकते हो। तो फिलहाल देख सकते, आई थिंक आर एस 200 वाला बंदा पीछे आ ही रहा होगा। पता नहीं कोई भी भाई मुझे पीछे दिख नहीं रहा है, मैं अपना राइडिंग पे फोकस कर रहा हूँ भाई। भाई तो ड्यूक की बिटी है अपने टक्कर में, और हरे संगत पीछे है भाई साहब। भाई गजब सीन है ब्रो, हरे संगत भी आ गया। तो फिलहाल राइड स्टार्ट करते भाई, ड्रॉप इन द राइट गियर, चलो भगाया जाए। तो भाई मजा आ रहा है यार, एकदम सच बोलना भाई, हमारा जो तीनों राइडर है बहुत अच्छे से बाइक चला रहा है भाई, सच बोला जाए। और रहो रोड कंडीशन थोड़ा दिन देख ही पाओगे, उतना ज़्यादा क्लियर है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग फोकस करके ही चला रहे हैं भाई। तो फिलहाल भाई ड्यूटी ड्यूटी को टक्कर करते हुए भाई साहब, भाई साहब देख सकते हो क्रेजी मजा आ रहा है भाई राइड लगाने में। आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, हम लोग को ये रोड पता है, भूल के ट्राई कर रहे हैं भाई। भाई रोड देखो यार, जबरदस्त रोड है यार, जबरदस्त रोड है भाई साहब, मजा आ गया लिटरली यार, कहते ही जहर है यार। लव यू लाइट यार, तूने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया ना, मजा आ गया भाई, सच बोला यार, लग रहा है कि लाइव ने हाँ भाई गुड डिसीजन किया था BS 400 लेने का। तो फिलहाल राइडर लोग भाग रहा भाई, हमें भी कैसा करना है। तो ड्यूटी को हरा दिया मैंने भाई, एंड हरे स्पीड को भी भाई जबरदस्त तरीके से हराएंगे। ओ भाई साहब ड्यूक टिविटी वाला भाई भगा रहा है, हमें भी भाई भगाना होगा, ड्यूक को पकड़ना होगा, देखते हैं अरे एनएस में कितना दम है भाई। मजा आ गया लिटरली, मजा आ गया भाई, चला गया यार, दिल को सुकून मिला भाई। भाई साहब कतई ही जहर सी ना। तो चलो ये रोड है भगाने का। चलो भाई ये एक अच्छा रोड है, थोड़ा सा भगाया जाए, लेट्स सी हाउ मच एनएस कैन डू मैन। बाइक को निकालते हैं, तो भाई देख सकते हो आई लव इंडियन ऑयल, तो क्रेजी सीन है भाई, सच में मजा आ गया। चलो थोड़ा सा बाइक को लाइन अप किया जाए,
तो भाई देखो ड्यूक ट्यूटी पार्क किया है, आर रेस्टोरेंट को भी पार्क किए हैं भाई। चलो अब आगे ही वीडियो कंटिन्यू करते हैं। One hour later. So, भाई लोग फिलहाल देख पाओगे यहाँ पे Duke 250 है और यहाँ पे देखोगे मेरा NS28 भी है, बेबी लाइट, और वहाँ पे RS20 भी है। तो आज को फिलहाल हमारा राइड बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे देख पाओगे तो iPhone 13 से फिलहाल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ फ्रेंड का लेके। तो आप लोग बताना यार iPhone 13 ऑफकोर्स भाई क्वालिटी सही होगा। तो यहाँ पे देख पाओगे Duke 250 है और मेरा बेबी लाइट भी है NS28 एंड RS20 का फिलहाल भी फोटोशूट चल रहा है तो यहाँ पे भी देख पाओगे। और हम लोग आए थे पानागढ़ का कैफे एक्सप्रेसो, तो वहाँ पे आए थे उसी का पेट्रोल पंप के सामने थोड़ा रुके हुए हैं और थोड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके बाद ही वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। और आप लोग बताना कि वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो अभी बस थोड़ा सा रुके हैं और थोड़ा सा फोटो शूट कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। और जो भी है सही है भाई, फिलहाल मज़ा लगा यहाँ पे आके एंड अपने वीडियो में राइड में देखा कि हम लोगों ने मस्ती किया बहुत। तो एक चीज़ बोलूँगा, मस्ती हम लोगों ने किया, उसके बाद देखते हैं कि आगे का वीडियो कैसा होता है, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल भाई देख पाओगे सामने है पानागढ़ का कैफे एक्सप्रेसो और यहाँ पे NS28 है, वहाँ पे Duke 250 और यहाँ पे RS20 वाला भाई है। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट देखोगे 6:43 हो चुका है, तो अब निकला जाए क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सुबह हो चुका है, सॉरी भाई ऑलमोस्ट शाम हो चुका है। अब यहाँ से निकला जाए क्योंकि इतना लेट करेंगे तो भाई घर में भी गाली सुनने को मिल सकता है। तो यहाँ से निकला जाए तो अच्छा लगा यहाँ का एटमोसफेयर आके। और ऑलमोस्ट भाई हम लोग इंडिपेंडेंस डे का राइड में आए थे यहाँ पे, तो अब आई थिंक नाइट में आपको ज़्यादा कुछ देखने को तो फिलहाल मिलेगा नहीं, तो सही सीन है। और आगे जाते हैं उसके बाद ही वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आई थिंक ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं भाई, ऑफकोर्स रात हो गया तो क्या ही दिखाएंगे।